नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि सरकार 20% पेंशन में कटौती करने पर विचार कर रही है, जबकि वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से साफ किया कि कोई कटौती नहीं होगी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 अप्रैल तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि 20 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी व मध्य दक्षिणी भाग में तेज हवा व गरज के साथ वज्रपात व हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में 7 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 34 से बढ़कर 41 हो गई है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। नए मामला रांची के हिंदपीढ़ी, बेडो और सिमडेगा जिला का है। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 16,116 हो चुका है। प्रवासी मजदूर और मजदूरों की आवाजाही पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने दूसरों राज्यों में फंसे मजदूरों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि मजदूर जहां है वहीं रहेंगे, राज्यों के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। मजदूरों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, खेती और मनरेगा कार्यों में लगाया जा सकता है। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि व वार्षिक शुल्क पर रोक। खबरों के अनुसार राज्य सरकार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा व सक्षमता मंत्री के निर्देशक पर शिक्षा विभाग ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। निजी विद्यालयों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा सकती है, साथ ही लॉकडाउन अवधि का बस किराया लेने पर भी सरकार रोक लगा सकती है। धनबाद के कपड़ा दुकान में नकली सैनिटाइजर बनाए जाने का मामला सामने आया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कपड़ा दुकान के गोदाम में छापेमारी कर हजारों की संख्या में नकली सैनिटाइजर और मास्क बरामद किया है। मामले की जांच की जा रही है। गिरिडीह के प्रवासी मजदूर द्वारा घर वापसी की मांग। खबरों के अनुसार यूपी सरकार द्वारा कोटा में फंसे विद्यार्थियों को घर वापसी की व्यवस्था को सरकार ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि गरीब प्रवासी मजदूर को भी विशेष बस द्वारा उन्हें घर वापसी की व्यवस्था किया जाए। वहीं गिरिडीह प्रशासन द्वारा जिले के 294,488 मजदूरों को सीधे बैंक खाते में राशि भेजने का निर्णय लिया है। यह राशि आधार लिंक द्वारा भेजा जाएगा। 3 मई के बाद भी ट्रेन सेवा शुरू नहीं होगी। खबरों के अनुसार 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ट्रेन सेवा चलाने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों के समूह की बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर PM मोदी ही अंतिम निर्णय लेंगे। धनबाद जिला में मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू DS रेल कॉलोनी और अजंता पाड़ा में लागू किया, सभी रास्ते सील कर दिया गया है। पलामू जिला में एक बच्चा ने गुड़ समझकर बम को चबा डाला, जिसके कारण उसका जबड़ा उड़ गया। छतरपुर निवासी 10 वर्षीय एक बच्चा ने सुअर मारने वाला बम को गुड़ समझकर खा लिया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।